सभी दोस्तों को महेंद्र का नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 3 फरवरी 2023 सुबह के 7:30 बजे हैं। मैंने एक स्टार फाइकस के नाम से एक प्लांट पौधा नर्सरी से ख़रीदा था। आज मैंने सुबह उसको रिपोटिंग करने के लिए एक पानी के टब में 2 घंटे के लिए रख दिया, क्योंकि उसकी मिट्टी चिकनी मिट्टी है जो कि पौधे की जड़ों को ज़्यादा स्प्रेड नहीं होने देती, उसको पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। उसको स्प्रेड होने के लिए, पौधे को ग्रो होने के लिए, पौधे को हरा भरा होने के लिए उसकी जड़ों को ओपन होना, जड़ों को फैलना, जड़ों को स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए आपको एक प्रॉपर सॉयल मिक्सचर होना चाहिए ताकि वो पौधा अपने नेचुरल वे में ग्रो कर सके, हरा हो सके, फले फूले और आपको अच्छा लगे और आपको खुशी दे। इससे पहले कि मैं आपको दोस्तों आगे ले चलूं, आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और मुझे भी ये लगे कि आप मेरे इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो दोस्तों आगे ले चलूं आपको, मैं आपको स्टार फाइकस पौधे के बारे में बता रहा था। तो ये है मेरा स्टार फाइकस जो कि मैं लेके आया था नर्सरी से। वैसे तो मैं बहुत से पौधे लेके आता हूँ कभी कभी, लेकिन ये मैंने पानी के टब में सुबह रात को लेके आया था, लेकिन मैंने सुबह इसको 2 घंटे पानी के टब में डाल दिया है ताकि इसकी जो मिट्टी है वह सॉफ़्ट हो जाए और इस मिट्टी को थोड़ा निकाल के और फ्रेश मिट्टी में, सॉयल मिक्सचर में इसको लगाऊंगा। इसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये मैंने एक ज़मीन में लगाना है। इसका खड्डा भी मैंने प्रॉपरली इसको ये बना लिया है। इसका ये साइड में आप देख रहे हैं सॉयल। अभी मैं इसको सॉयल का मिक्सर बना के और पौधे की ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी, इसको मैं, क्योंकि अब ये लूज़न हो गई है, अब ये धीरे धीरे करके इसको मैं कुछ मिट्टी को हटा दूंगा ताकि ये देखिए ऐसे करके मैंने इसको, इसकी मिट्टी को ये देखिए ये पानी में डालने के बाद इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि इसकी जड़ों को नुकसान नहीं होता और ये मिट्टी अपने आप ही निकलने लगती है जड़ों को बिना नुकसान किए। ये देखिए ये सब मिट्टी, ये मिट्टी निकल गई है। देखिए इसमें मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही कि मैं इसकी जड़ों को अननेसेसरी नुकसान पहुंचाऊं, इसको ज़बरदस्ती मिट्टी निकालूं। ये देखिए ये मिट्टी अपने आप ही ये मिट्टी निकल रही है, लगभग ये मिट्टी निकल रही है।
ये देखिए, ये मिट्टी अब निकल चुकी है। अब इसकी जड़ें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं और इसको मैं एक बार फिर से इस पानी के टब में डाल दूँगा ताकि ये जड़ें, इससे जो भी मिट्टी फंसी हुई है वो निकल जाएगी और ये बिल्कुल खुली मिट्टी में, सॉयल मिक्सचर में डालने के बाद ये अब ये लगभग, ये आप देख रहे हैं, ये क्लियर हो चुके हैं, इसकी मिट्टी क्लियर हो गई है। और अब मैं इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी को ना हटाते हुए, ये जो मैंने इसके लिए जगह बनाई है मेरी गार्डनिंग के ज़मीन में, इसको मैंने रिस्पेक्टफुली जगह दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए अब ये ठीक से स्टैंड हो गया है, खड़ा हो गया है ये पौधा, साइपाइकस प्लांट। अब मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार कर रखी है जिसमें मैंने 60% सॉयल सैंड, गार्डन सैंड, 30% वर्मी कंपोस्ट, 5 to 10% कोकोपीट मिक्स किया है। उसमें थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच हल्दी भी डाला है ताकि इसको फंगस, जड़ों को फंगस ना लग सके, जड़ें सेफ रहें। तो दोस्तों अब ये मेरा पौधा बिल्कुल तैयार है लगने के लिए, प्लांट करने के लिए। मैंने इसको नई जगह दे दी है। अब मैं इसमें सॉयल मिक्स डाल दूंगा और ये पौधा आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपके जानकारी के लिए, इसको लगाने के बाद जब ये पूरा लग जाए, सॉयल मिक्स इसमें मैं डाल दूँगा, तो इसको थोड़ा सा पानी देते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। 2-3 4 दिन में ये बिल्कुल जड़ों को पकड़ लेगा और ये आपके लिए हेल्दी पौधा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जो मेरे बिगनर भाई हैं, ये मैं उनके लिए वीडियो बनाया है, ये मैंने अपने अनुभव पे सब किया है। ये आप मेरी गार्डनिंग में देखिए, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं फाइकस प्लांट, ये कुछ तो मैंने ग्रो किए हैं, कुछ मैं नर्सरी से लेके आया था और उनको मैंने रीप्लांट किया था। अब ये बड़े हो गए हैं। ये पौधा भी मैं जो नर्सरी से लेके आया था, इसको मैंने फ्रेश प्लांट किया है। आप इसको देखिए, करिए, अनुभव करिए और मेरे साथ अपने अनुभव भी शेयर करिए। सो ओके, गुड बाय, एंजॉय।